गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो जो अपना कैमरा ऑन करना चाहता है यू कैन प्लीज गो अहेड। बस प्लीज एक बात का ख्याल रखें, कोई भी अनम्यूट ना करे अपने आप को जब तक उनसे कुछ पूछा नहीं जाता है, उनकी कुछ बोलने की टर्न नहीं आती। तो आज मैं इंस्ट्रक्शंस उतनी ज़्यादा नहीं दूंगा जैसे पिछली बार हमने किया था, उसी फ्लो में हम जाएंगे। तो सबसे पहले आज आप सब म्यूट पे रहिए, बस मेरे को वॉच करिए, फिर आगे से अगली बार से जब आप हैबिचुअल हो जाएंगे तब आप अनम्यूट करके हम एक साथ मंत्रा चैंटिंग और सब कुछ कर सकते हैं। तो आज बस म्यूट करके आप अंतर्मन से मेरे साथ बोल सकते हैं। पहले हम प्रेयर करेंगे। बिलवड गुरु, हेवनली फादर, डिवाइन मदर, सेंट्स ऑफ ऑल रिलीजन्स, वी बाउ टू यू ऑल। पूजनीय गुरुदेव, परमपिता परमेश्वर, जगत जननी, जगत जननी, सभी धर्मों की दिव्यात्माएं, सभी धर्मों की दिव्यात्माएं, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। ओके दीपेश, आप भी आज अपने आप को अनम्यूट म्यूट कर सकते हैं, बस आज आज के लिए। थैंक यू सो मच। आज बस या अब हम 5 बार ओम का उच्चारण करेंगे। याद रहे जो लास्ट का मकार होता है, ओमकार का जो लास्ट का म है, उसको भी अराउंड 10% वेटेज दीजिए। ऐसा नहीं हो कि पूरी सांस में आप ओ ही बोलते रहें और म पे आपकी सांस खत्म हो जाए, क्योंकि म जो आखिरी का शब्द है, म उसका अपना ही महत्व है। तो 5 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे। सब म्यूट पे कर सकते हैं मेरे साथ। अब हम 5 बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हालांकि अब 11 बार में मृत्युंजय मंत्र करना चाहिए, मैंने आपको ग्रुप पे भी शेयर किया था, पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया होगा। तो आज आप प्लीज मेरे को ही देखिए, और जिस जिसने प्रैक्टिस नहीं करी हुई आप बस देखिए, बोलिए मत, क्योंकि मृत्युंजय मंत्र का उच्चारण सही करना बहुत जरूरी है। और मृत्युंजय मंत्र बोलने से पहले इस फोटो को देखिए, ये फोटो शिव की अपने आज्ञा चक्र में उसकी एक दृश्य बना के अगर मृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाए तो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होता है, बहुत ही ज्यादा उसका लाभ मिलता है। आज मैं केवल 3 बार, हालांकि 11 बार करना चाहिए, आज मैं केवल 3 बार बोलूंगा, फिर अगली बार से जब हर किसी की प्रैक्टिस हो जाएगी तब हर कोई एक साथ 11 बार मृत्युंजय मंत्र का जाप करेंगे। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वरुक्म्यौ बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वरुक्म्यौ बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्। उर्वरुक्म्यौ बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृता। अब हम ब्रह्म स्तुति या फिर गुरु स्तुति जिसको बोला जाता है वो करेंगे। और जैसे मैंने पहले भी बोला था, ये ब्रह्म परम ब्रह्म की स्तुति है और ये गुरु की भी स्तुति है, क्योंकि जब तक आपको परम ब्रह्म नहीं मिल जाता आपके गुरु ही आपका परम ब्रह्म है, क्योंकि वो ही आपको वहां तक लेके जा सकता है। ब्रह्मानन्दं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलं अचलं सर्वदि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं सद्गुरु तं नमामि।
अब एक चैंट बोलेंगे, एक भजन बोलेंगे इंग्लिश में, कभी हिंदी में बोलेंगे, कभी इंग्लिश में बोलेंगे, आज इंग्लिश वाला एक चैंट बोलेंगे, उसके बाद हम ध्यान में जाएंगे 40 मिनट के। वो चैंट मैंने कुछ टाइम पहले ग्रुप में आप लोगों को पोस्ट किया है, इंग्लिश में है, हर लाइन को दो दो बार अगर आप बोलेंगे। उस चैंट का मतलब ये है कि क्योंकि भगवान आपके साथ छुपन छुपाई खेलता है, जब तक आप उसको देख नहीं लेते, वो खड़ा है आपके बिल्कुल सामने पर, पर्दे के पीछे है, और वो आपका इंतजार कर रहा है कि आप वो आंखों के सामने से वो वेल, अज्ञानता का वो पर्दा हटाएं और उससे आपका मिलन हो। तो इस भजन में एक सीकर, एक डिवोटी, एक साधक भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि कब मुझसे मिलोगे, कब मेरे को अपने दर्शन दोगे, कब वो मेरी आंखों के सामने से आप वो ज्ञानता का पर्दा हटाओगे। तो ये भी आज आप म्यूट पे ही मेरे साथ बोल सकते हैं। Door of my heart, open wide, I keep for thee. Door of my heart, open wide, I keep for thee. Will thou come, will thou come, just for once come to me. Will thou come, will thou come, just for once come to me. Will my day fly away without seeing thee, my Lord? Will my day fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, night and day, I look for thee, night and day. Night and day, night and day, I look for thee, night and day. Door of my heart, open wide, I keep for thee. Door of my heart, open wide, I keep for thee. Will thou come, will thou come, just for once come to me. Will thou come, will thou come, just for once come to me. Will my day fly away without seeing thee, my Lord? Will my day fly away without seeing thee, my Lord? Night and day, night and day, I look for thee, night and day. Night and day, night and day, I look for thee, night and day. Door of my heart, open wide, I keep for thee. Door of my heart, open wide, I keep for thee. Door of my heart, open wide, I keep for thee. ध्यान में जाने से पहले मैं इतना बता दूं कि चैंट कोई भी चैंट हो, ध्यान से पहले अगर इसको करते हैं तो जो आपका अंदर की जो सतोगुण की वृत्तियां हैं वो तेज हो जाती हैं, वो तमोगुण के ऊपर आ जाती हैं, उससे ध्यान में अंतर्मुखी होने में बहुत फायदा मिलता है। इसलिए हम हमेशा ध्यान में जाने से पहले चैंट करेंगे। और जैसा मैंने कहा कि ध्यान, तभी आपका ध्यान सफल होगा, तभी आप ध्यान के उस मोक्ष पाने की मंजिल पाने के उस हाईवे पे तभी आप चल पाएंगे, जब तक आप ध्यान में अंतर्मुखी होंगे, आपकी सेंसेस, आपकी देह, आपकी फिजिकल बॉडी का आपको भान नहीं रहेगा जब तक। वो तभी हो सकता है जब आप स्थूल पंचभूत से सूक्ष्म पंचभूत में जाएंगे, जब आप स्थूल शरीर से अपने सूक्ष्म शरीर एस्ट्रल बॉडी तक कनेक्शन कर पाएंगे। इसके लिए शुरुआत में मुश्किल हो सकता है क्योंकि आपकी सेंसेस भारमुखी हैं, वो भागेंगे इधर उधर। तो इसलिए अगली बार से प्रेफरेबल है
जो कोई करना चाहे, शुरुआत शुरुआत में मैंने पिछली बार भी बोला था, आप ये यूज कर सकते हैं अपनी आंखों पर बांधने के लिए कि पूरा डार्कनेस, पूरा अंधेरा हो, और ये आप ईयरबड्स यूज कर सकते हैं, कॉटन की हो, स्पंज हो, प्लास्टिक हो, कुछ भी हो, कि एटलीस्ट अभी आप उतने स्थापित नहीं है अंतर्मुखी होने में, तो आपको मदद मिलेगी इस चीज से। ठीक है, अब मैं अपने आप को भी म्यूट करता हूं, अब हम 40 मिनट्स ध्यान में जाएंगे, और जब तक 40 मिनट्स जब पूरे होंगे तब हम नमोस्तुति करेंगे लास्ट टाइम की तरह। जब मैं नमोस्तुति अनम्यूट करके अपने आप को जब मैं बोलना शुरू करता हूं नमोस्तुति, तब समझिएगा कि 40 मिनट हो चुके हैं। तब तक कोशिश करिए अपनी आंखें बंद करके बैठें, और स्पाइन बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और बॉडी का मूवमेंट नहीं होना चाहिए। जिन जिन लोगों को आदत नहीं है, बॉडी मूवमेंट थोड़ा सा हो भी सकता है या स्पाइन थोड़ी थक गई, कोई बात नहीं, पर अपनी आंखें मत खोलिए। ये मत सोचिए कि टाइम बहुत हो गया या घड़ी चेक कर लूं, मैं जब तक नमोस्तुति नहीं बोलूंगा इसका मतलब 40 मिनट अभी नहीं हुए। ठीक है, तो हम 40 मिनट ध्यान में जाएंगे।
नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृतः पुनश्च भूयोपि नमो नमस्ते नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोस्तु ते सर्वता एव सर्वा। अब कोई बिल्कुल नहीं हिलेगा, अभी ध्यान करने के, अभी बिल्कुल बात के 2-3 मिनट बहुत जरूरी हैं, बिल्कुल मत हिलिए, आंखें बंद करके सोचिए आप उस परम शांति, परम आनंद, उस इटर्नल पीस, इटर्नल ब्लिस के समुन्द्र में आप डुबकी लगा रहे हैं। कुछ मत सोचिए, बस बैठे रहिए कुछ टाइम और उस इटर्नल ब्लिस को फील करिए। आपको लगेगा, आपको ऐसा पीस फील होगा जो आपको इस संसार की कोई भी चीज नहीं दे सकती। 2-3 मिनट और बैठेंगे, उस पीस को फील करिए अपने चारों तरफ। ठीक है, थैंक यू सो मच। होता क्या है, जैसा मैंने पिछली बार भी बताया था, जब आपकी स्टेज बढ़ जाएगी, जब आप ऊपर प्रोग्रेस कर लेंगे, तो जो योग बल इकट्ठा होता है साधना के बाद, क्योंकि ये ऐसी संरचना हो रखी है सृष्टि की कि वो जो योग बल इकट्ठा होगा वो डिसिपेट होगा, वो कम होता चला जाएगा। जैसे ही आप साधना खत्म करके भौतिक जगत में अपना कार्य शुरू करेंगे दोबारा से, पर जो साधक ऊपर के लेवल का होता है वो इतना ज्यादा उसका योग बल होता है कि वो कभी उसका वो बिल्कुल उससे खत्म नहीं होता, वंचित नहीं होता। योग बल डिसिपेट होता है पर उसका उसको असर नहीं होता, और इसके बाद उसका दोबारा साधना करने का टाइम आ जाता है, वो साथ योग बल फिर से इकट्ठा हो जाता है। पर जो शुरुआत के आप जैसे जो बिगिनर्स हैं, आप लोगों का भी योग बल इकट्ठा होता है पर बहुत कम होता है, और वो जैसे ही अब आप मेडिटेशन आपकी खत्म होगी, आप अपना काम करना शुरू करेंगे रोजमर्रा का,
तो एकदम डिसिपेट हो जाएगा। आप फिर वो सोर्स से जो भी आपका कनेक्शन था, वो जैसी वो डिसिपेट होगी कॉस्मिक एनर्जी जो आपने इकट्ठी करी है, तो फिर से आप उस कनेक्शन को भूल जाएंगे। तो इसलिए मेडिटेशन के एकदम बाद वो जो आपने जो थोड़ा बहुत वो कॉस्मिक एनर्जी इकट्ठी करी है, उसी को जब आप फील करते हैं तो आपको पीस एटर्नल ब्लिस फील होता है। सोचिए जब ये योग बल के समंदर में आपको ढाल दिया जाए तो आप क्या ब्लिस, कितना ब्लिस एक्सपीरियंस करेंगे। उस स्थिति में वैराग्य हो जाता है, क्योंकि उस परम शांति के अलावा फिर साधक को कुछ चाहिए ही नहीं होता, सब कुछ फीका लगता है उसके सामने। और पिछली बार बहुत लोग बोल रहे थे कि 20 मिनट्स सर पता ही नहीं चला, इस बार 40 मिनट्स थे। कुछ लोगों को पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा लंबा लगा होगा, पर बिलीव मी, जब आप अंतर्मुखी होना शुरू करेंगे आपको समय का पता ही नहीं चलेगा, आपका मन करेगा दोबारा से साधना करने का। और जब अंदर से मन करे दोबारा से साधना करने का, तो सोच लेना आपको साधना करने का इंटॉक्सिकेशन हो रहा है, मतलब आप सही रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है आपने। और एक स्टेज आ जाती है आगे निर्विकल्प समाधि की, जब आपको सविकल्प समाधि की नहीं निर्विकल्प समाधि की, जब आपको पता ही नहीं चलता, आप 5 घंटे 6 घंटे बैठते हैं, आप सोचोगे अभी तो मैं बैठा था 5 मिनट पहले, कहाँ गया समय, कहाँ गया इतना जल्दी। और जब आप अंतर्मुखी होंगे, एक निशानी उसकी और है, आपकी जो आंखें हैं, ध्यान के बाद आप अपनी इस भौतिक शरीर की आंखों को खोलने की कोशिश करेंगे, पर वो खुलेंगी नहीं। ऐसा लगेगा कुछ मैग्नेट उसको पीछे से खींच रहा है, वो खुलेंगी नहीं। आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि आंखें नहीं खोलूं तो अच्छा है, फिर आपको जबरदस्ती ऐसे करके खोलनी पड़ेंगी, एक ऐसी भी स्टेज आती है। तो जब ऐसा सब कुछ होने लगे तो सोच लीजिए आप सही दिशा में जा रहे हैं। तो आज का सेशन इतना ही। अगर किसी को, क्योंकि ये क्वेश्चन एंड आंसर सेशन नहीं है, किसी को कुछ एक्सपीरियंस है या फीडबैक है या थोड़ा बहुत कुछ क्वेरी है मेडिटेशन रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद हम जल्दी से सेशन को रैप अप करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे जो रिएक्शन टैब है वहां से आप रेज योर हैंड बटन को दबा सकते हैं। या और प्लीज, टाइम बहुत कम है तो इसलिए केवल मेडिटेशन रिलेटेड क्वेरी ही है तो वही पूछिए, और बिल्कुल शॉर्ट में पूछिए जिससे सेशन लंबा ना हो। उत्तम जी प्लीज बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अच्छा सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि सर जब मैं ना ओम का ध्यान कर रहा हूँ, सर मैं यहाँ पर ओम का ध्यान कर रहा हूँ, तो सर मतलब ओम के बारे में सिर्फ सोचना है कि मतलब उसका पिक्चर बनाना है पूरा। जैसे मैंने कहा था, अगर आप कोई इष्ट देव है आपका, उसकी पिक्चर बनाइए, मतलब कोई भी आपकी मनपसंद कोई अपने इष्ट देव की फोटो हो या अपने गुरु की फोटो हो या कुछ भी, एक फोटो उसको पहले देख लीजिए अच्छे से कि वो आपके अंतर सबकॉन्शियस में बस जाए वो फोटो, फिर उसको यहाँ पे। और शुरुआत में ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे शुरुआत में ही आप एक इमेज बना पाए, उसको भी टाइम लगेगा, क्योंकि शुरुआत में तमोगुण बहुत ज्यादा होता है, भैरमुखता बहुत ज्यादा होती है, पर वो धीरे धीरे 1 महीने बाद 2 महीने बाद वो होने लग जाएगा। और ओम में भी बिल्कुल ऐसा ही, ओम भी अलग अलग फॉन्ट्स में अलग अलग पिक्चर्स में आपको दिखेगा, अलग अलग कलर्स में दिखेगा, जो आपका मनपसंद ओम की फॉर्मेशन ओम की पिक्चर हो उसको देख के उसी को बनाना है अपने यहाँ पे इमेज। ओम की इमेज भी अलग अलग इमेज चेंज ना हो, एक ही इमेज को हमेशा। ऐसे ही बिंदु, जो लोग बिंदु त्राटक या जिनका कोई इष्ट देव नहीं है वो बिंदु पे भी करते हैं, तो बिंदु भी एक ही साइज का, एक ही कलर का, एक ही बैकग्राउंड का हो, अलग अलग ना हो, क्योंकि उससे फिर जो आप अपनी जो ध्येय वस्तु है, जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है जिस पे आपको अपने ध्यान को लेके आना है, उस वन थॉट पे आप उसको ही जब चेंज कर रहे हैं तो क्या हो फिर, कैसे वो ध्येय वस्तु नहीं हुई ना फिर। ठीक है, थैंक यू। स्वरूप जी प्लीज बोलिए। कोई क्वेश्चन, जो मंत्र चेंट करते हैं तो उसको जो हम मुंह में बोलते हैं साउंड करके, अगर मन में बोले तो भी सेम है कि नहीं, मुंह में मतलब साउंड करके ही बोलना चाहिए? देखो, जो गायत्री मंत्र है, जो भी है, त्र्यंबकम यजामहे है, देखो मंत्र चेंट आवाज निकाल के ही बोलना होता है, मगर एक स्टेज आती है भक्ति योगी, भक्ति योग में
एक स्टेज आती है जब आप अंतर्मुख इतने हो जाते हैं कि आप समाधि में चले जाते हैं, आपको पता ही नहीं चलता, तब आपके अंतर मन में वो मंत्र चलना शुरू हो जाता है क्योंकि आप समाधि में चले गए हैं। मतलब लेकिन होता क्या है, हमें ध्वनि निकाल के ही मंत्रों को सही, मंत्रों का सही उच्चारण करके बोलना चाहिए, क्योंकि जब आप मंत्र का सही उच्चारण करके ध्वनि उत्पन्न करके जब आप बोलते हैं तो वो जो एनर्जी, वो आप साउंड जो आप यूनिवर्स में रिलीज करते हैं उसका इफेक्ट होता है, क्योंकि हमारी पूरी यूनिवर्स जो है, मैं फिर कभी वीडियो में भी आपको बताऊंगा इन डिटेल, बाइबल में क्या लिखा है, इन द बिगनिंग देर वॉज अ वर्ड एंड द वर्ड वॉज गॉड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड। इसको अगर चेंज करके देख लीजिए, वो वर्ड नहीं है क्योंकि बाइबल फैब्रिकेटेड है, मतलब वर्ड नहीं, अगर कोई शब्द है वो भी तो ध्वनि ही है ना। अब अगर बाइबल में ओम को शब्द बोल दें, वर्ड बोल दें, तो गलत है, इट्स अ साउंड। तो इन द बिगनिंग देर वॉज साउंड एंड द साउंड वॉज गॉड एंड द साउंड वॉज विद गॉड एंड दैट साउंड वॉज ओम। जब मोक्ष प्राप्त होता है, जब मैंने बताया अपरा प्रकृति से परा प्रकृति में, जब आप अपरा प्रकृति की बाउंड्री को छोड़ते हैं तब आपको दिखता है कि परा प्रकृति से अपरा प्रकृति बनी, वो अभी भी बन रही है, वो कहते हैं ना यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एक्सेलरेटिंग, वो अभी भी बन रही है। तो जब आप उस बाउंड्री पे पहुंचते हैं अपरा प्रकृति के, तब आपको लगता है, तब आपको दिखता है अच्छा परा प्रकृति अपरा प्रकृति ऐसे बन रही है, आपको दिखेगा दूर से की हमिंग आवाज आ रही है, उस साउंड से एवरीथिंग इज बीइंग क्रिएटेड। इसलिए कोई भी मंत्र हो, चाहे वो मृत्युंजय मंत्र हो, चाहे वो गायत्री मंत्र हो, कोई भी मंत्र हो, उसमें ओम जरूर आता है। ओम बीज मंत्र है हर चीज का, ओम इज द सीड। इसलिए लोग कहते हैं ये मंत्र कर लू वो मंत्र करूं, सारे मंत्रों का अपना अपना महत्व है, लेकिन सबसे ऊपर जो मंत्रों का मंत्र है वो ओम है। तो अगर किसी ने ओम ही सिद्ध कर लिया तो उसको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो और अगर किसी की क्वेश्चन नहीं है तो वी विल रैप अप दिस सेशन हियर। आप लोगों को ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगली बार ऐसा नहीं है कि पिछली बार 20 मिनट का सेशन था तो अगली बार मैं इस बार 40 मिनट्स का, अगली बार 1 घंटे का कर दूंगा, बहुत लोगों के लिए काफी एक्सट्रीम हो जाएगा जल्दी जल्दी से। अगली बार भी 40 का ही करेंगे, धीरे धीरे लेके जाना है। गोल होना चाहिए सुबह 4 बजे से मेडिटेशन स्टार्ट करके 3 घंटे की मेडिटेशन, दैट इज आर गोल। अब वो गोल मैं आपको धीरे धीरे लेके जाऊंगा, चाहे वो आप 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए, क्योंकि एकदम आपको करूंगा तो योर सेंसेस जो भी अंतर्मुखी हुई नहीं, दे विल रिवोल्ट। फिर आपका 20 मिनट का ध्यान भी नहीं लगेगा, आप ज्वाइन ही नहीं करोगे सेशन। तो मैं वो नहीं चाहता, धीरे 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 धीरे, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल all for joining। रजत जी आपने वो एक वीडियो बोले थे देंगे कि ओजस बढ़ाने का जो तरीका है वो, हाँ वो मैं लास्ट वीक बहुत बिजी था, आई एम सॉरी, वो मैंने बना तो लिया है मैंने, उसके बाद बस उसकी मुझे पीछे से एक्सप्लेनेशन ऐड करनी है उसमें, और मैं आज या कल में डाल दूंगा उसको। ठीक, थैंक यू सो मच, थैंक यू।